नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक स्ट्रांग फंडामेंटल न्यू लिस्टिंग कंपनी का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आप देखेंगे तो कंपनी IPO के माध्यम से 167 करोड़ रुपए जुटाए, जिसका उपयोग कंपनी एक नई सुविधा स्थापित करना, उधारों का पुनर्भुगतान करना तथा सामान्य कारपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी। तो सबसे पहले तो हम कंपनी का नाम बताना चाहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी 9 सितंबर को कंपनी लिस्ट होती है। अगर उस दिन के लो और हाई की बात करूं तो आप देखेंगे तो 725 रुपए का लो लगता है, हाई की बात करूं तो 757 रुपए 15 पैसे का हाई लगता है। उसके बाद से निरंतर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलता है और आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो 682 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शैम्पू और एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैंपस, श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों के बारे में डिस्कस किया, क्या शानदार तेजी उनके अंदर देखने को मिली। दोस्तों, प्रॉफिट की भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिले होंगे। जो भी सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता है, इसी तरह से पैसा बना पाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालूं तो देखेंगे तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतरीन जंप सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिले हैं। अगर मैं 2021 की सेल्स की बात करूं जो 105 करोड़ के हुआ करते थे, 2022 में बढ़कर के 145 करोड़ के हुए, 2023 में 165 करोड़ और 2024 में बेहतरीन जंप 203 करोड़ का सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें, 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 12 करोड़ का हुआ करता था, 2022 में देखेंगे तो बेहतरीन जंप 20 करोड़ का हुआ, 2023 में 28 करोड़ और 2024 में देखेंगे तो 39 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतरीन ढंग से कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, अभी ये जो यहाँ पे दो चार दिनों से एक पैनिक माहौल आया है, आप देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में वापस से स्टॉक के अंदर बाउंस बैक आएगा और एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कंपनी 2009 में कंपनी स्थापित की गई थी, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, डिस्क और स्प्रिंग, स्प्लिट स्प्रिंग, काइल और स्पाइल स्प्रिंग और विशेष बंधन समाधान जैसे सटीक घटकों के निर्माता है। कंपनी दो डिवीजन में काम करती है। पहले डिवीजन में CSS का उपयोग अक्षय ऊर्जा, रेलवे, ऑटोमोबाइल, आप हाईवे वाहन, भारी मशीनरी और इलेक्ट्रिक और पावर उपकरणों में किया जाता है। अगर मैं दूसरे डिवीजन की बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी स्टंट, एंकर बोल्ट और नट के रूप में फास्टनरों का निर्माण करती है, जिसका अंतिम उपयोग अक्षय ऊर्जा, रेलवे, आप हाईवे वाहनों, इलेक्ट्रिकल और भारी मशीनरों के उपयोग में किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इनके ग्राहकों की बात करें तो कंपनी इन उत्पादों की आपूर्ति मूल उपकरण निर्माताओं OEM को करती है, जिसमें एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, फ्राइडर, LNT, हिताची, लेगेंड आदि जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम इनके उत्पादवार राजस्व की बात करें तो स्प्रिंग प्रौद्योगिकी से 80% का, फास्टनिंग समाधान से 19.5% का, सतह इंजीनियरिंग समाधान से देखेंगे तो 0.55% का राजस्व अर्जित होता है। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की बात करें तो कंपनी जर्मनी, डेनमार्क, चीन, इटली, ब्राजील, अमेरिका, स्विट्जरलैंड सहित 25 प्लस देशों में 175 प्लस ग्राहकों को तकनीकी स्प्रिंग और उच्च तन्य फास्टनरों की आपूर्ति करता है, जो वैश्विक OEM आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करती है। अगर हम भौगोलिक हिसाब से इसके राजस्व की बात करें तो घरेलू से देखेंगे 62.5% का, निर्यात से देखेंगे तो 37.5% का राजस्व अर्जित होता है। अगर हम इनके विनिर्माण सुविधाओं की बात करें तो कंपनी के पास महाराष्ट्र के वर्धा जिले में दो विनिर्माण सुविधाएं हैं। यह तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक नई सुविधा स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, अगर हम इनके टोटल कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो 30 जून 2024 तक कंपनी में 264 अस्थायी और 390 अनुबंध कर्मचारी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की, तो टेक्निकल में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूं 718.70 का है, सेकंड रेसिस्टेंट की बात करें 732.50 का है, थर्ड रेसिस्टेंट की बात करें तो आप देखेंगे 744.5
4.5 का देखने को मिल रहा है। सपोर्ट के ऊपर डालेंगे, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 692.95 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 681.00 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 667.20 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को जान लेते हैं। 891 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 37.00 का है, डिविडेंड यील्ड नहीं है, बुक वैल्यू की बात करें 189.52 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 3.71 का है, आरओसी की बात करें 34.10% का है, आरओई की बात करें 21.38% का देखने को मिल रहा है। तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डालेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं जिन्होंने भी आईपीओ में पैसा लगाया उनको लगभग 8.5% का यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने भी सेल आउट नहीं किया है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ 5.44% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 9.29% की होल्डिंग है, FII की बात करें 3.22% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 32.05% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने डेली फ्रेम का चार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकल यहाँ पे कुछ भी देखने जैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हाई लो की मैंने बात किया जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 सितंबर के अगर मैं हाई की बात करूँ 774 रुपये का यहाँ पे हाई लगा। दोस्तों अभी आप यहाँ जरा भी फ्रेश बाइंग के बारे में जरा भी मत सोचिएगा दोस्तों, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास आईपीओ लगा है वो बिंदास होल्ड करके चल सकते हैं। जिनको फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो जब तक ये स्टॉक इस हाई के ऊपर ना निकले, मतलब 774 का हाई था, जब तक ये स्टॉक 775 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ना निकले तब तक आज आप इसमें फ्रेश बाइंग से बिल्कुल भी दूर रह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी जानकारियां आप लोगों को पसंद आती होंगी। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल। कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।